आज के लिए वचन दानियल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 21वां वचन। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ वही देता है। मेरे प्रिय मित्र, आज की प्रतिज्ञा दानियल 2 अध्याय उसका 21वां वचन से लिया गया है। यहाँ कहता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। हाँ, प्रभु हर मांगने वाले को अपनी बुद्धि और ज्ञान देने का वादा करता है। तो आइए हम हर समय प्रभु से उसकी बुद्धि को मांगे। आपको प्रभु के ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? दुनिया के ज्ञान और परमेश्वर के ज्ञान के बीच क्या अंतर है? संसार के ज्ञान से हम कुछ हद तक अपने जीवन के लिए योजनाएं बनाने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसे समय में जब हमारी सांसारिक योजनाएं काम नहीं करती हैं, हम अटक जाते हैं और चिंता करने लगते हैं कि आगे क्या करना है। या संसार का ज्ञान है, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि बहुत ही अलग है। जैसे याकूब की पुस्तक 3 अध्याय उसका 17 आयत में बाइबल कहती है, जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हाँ, ऐसे ही बुद्धि है जो परमेश्वर की ओर से आती है। इसलिए प्रिय मित्र, हर दिन इससे पहले कि आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकें, चाहे वह कितना भी तुच्छ क्यों ना हो, प्रभु से उसकी बुद्धि को मांगे। या सिर्फ खाना पकाने के लिए, या कहीं ड्राइविंग के लिए, या साक्षात्कार का सामना करते समय भी हो सकता है। बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु का शिष्य पत्रस एक विद्वान व्यक्ति भी नहीं था, तो भी वह शक्तिशाली लोगों के सामने खड़ा हुआ और निडर होकर बोला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपनी बुद्धि से भर दिया था। उसी तरह आज प्रभु आपको अपनी बुद्धि और ज्ञान से भरने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं आपके बुद्धि और ज्ञान के लिए प्रार्थना करता हूँ कि मैं अभी से भर जाऊँ। हे प्रभु, मेरे मन से हर भ्रम, हर चिंता को दूर कर दे। मुझे एक स्वस्थ मन प्रदान करें जो आपकी बुद्धि से आता है। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु, मुझे अपनी कृपा से भर दे। जो कुछ मैं करता हूँ उसे समृद्ध करें और आप में एक सफल जीवन जीने में मेरी मदद करें। आपकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे। हे प्रभु, मेरी अगुवाई करते रहे और मेरा मार्गदर्शन करते रहे, और तब फिर मैं आपकी बुद्धि और ज्ञान में आशीष पाते हुए जीवन में आगे बढ़ने वाला होने पाऊं। ये प्रार्थना मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन।